ब्लड मैन ऑफ कश्मीर मुझे असली नाम पड़ गया है कि ब्लड डोनेशन से। तो ये एक उस वक्त उतना ब्लड डोनेशन में ये नहीं था जहन लोगों को, तो ये एक बुजुर्ग शख्स ने मुझे गिफ्ट किया था ब्लड मैन ऑफ कश्मीर। तो वही जम्मू में रहते थे वो, तो उसी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। फिर ये आगे आगे बढ़ा तो फिर ये नाम ही चढ़ गया ब्लड मैन ऑफ कश्मीर। मैं बचपन से ही एक चीज था मेरे जहन कि मैं बहुत, और इसके अलावा भी कुछ काम कर रहा था इसी सोशल सर्विस। तो लेकिन जब ये कंसेप्ट उठाया तो मेरा दोस्त एक जख्मी था, तो मेरा ब्लड उसको लग गया था उस वक्त, वही बुनियाद स्टार्ट हुई। तो उसके बाद यार बहुत सारे यहाँ तंजीमें बने, HRC बने, अलमदार ब्लड बैंक बने, और भी और कुछ। तो फिर हमने अलग अलग देखी, तो फिर हमने उसी दौरान रेड क्रॉस के साथ ज्वाइन किया है, आज से 40 साल पहले की बात है। तो माशाल्लाह आगे आगे चला, तो लोग भी अच्छी थी उस वक्त, मुझे भी इंटरेस्टिंग हुए, तो मुख्तलिफ इलाकों में गए, तो ब्लड डोनेशन मेडिकल कैंपस, पॉलीथीनस, और भी कुछ, सैलाब आया, उससे ज़्यादा, इससे आगे भी हो बंदे, इससे छोटे भी रह बंदे, इनकी रहनुमाई होनी चाहिए। बाकी ये ब्लड डोनेशन उतना वहाँ नहीं। हाँ, अब कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए, सेल्स के लिए आपको काम करना है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मीडिया उसमें अहम रोल का अदा कर सकते हैं। जो ब्लड डोनेशन है वहाँ, सेल्स जो है वो सबसे बड़ा चीज़ है इस वक्त। ब्लड डोनेशन इस वक्त चैलेंज नहीं, उम्र का तकाजा अभी है मुझे 3 साल, अपनी तरफ से 3 साल है मुझे अभी। अब उम्र का तकाजा यहाँ एक चीज़ है, ब्लड डोनेशन आज से ये एक चीज नया नहीं है। तो अभी मुझे 3 साल है, तो इसके बाद मैंने सिर्फ आमा के लिए काम करना है। ये मैंने आज से 10 साल पहले आपके अखबार में भी लाए थे। तो मैं उसके बाद ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है मुझे, बगैर मुझे एक एनजीओ ने पिछले महीने ही, तो उसने मुझे किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो 5,000 रुपये एक तरीके से समझो कि वो पेंशन है, मगर उनका मेरे काम पहले ही देखा हो रहा था। तो इसके अलावा मुझे खुदा ने खास कोई जरिया नहीं है। तो मैंने आपकी मिसाल के लिए मैं दूंगा, मैंने ओल्ड एज पेंशन के लिए की, आगे भरी थी लेकिन आज तक वो मिला भी नहीं। जब अपने मुल्क ने नहीं दिया तो दूसरा मुल्क क्या करेंगे मेरे, ये तो बड़ी बात है ना। स्टेट अवार्ड किन को मिलता है? क्या ब्लड डोनर के लिए आपने देखा कभी? ब्लड डोनर के रेफरेशमेंट देखा आपने क्या है? 30 रुपए। और अब जो बंदे होते हैं वो गलत भी होते हैं कभी, आपके वसादत से मैं कहूँगा, मैंने 5 बार खुद भी कागज लिखी थी कि इसमें होना चाहिए थी, आज तक यहाँ इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स कॉन्फ्रेंस होना चाहिए थी। उसमें हमें भी फायदा है, एक चीज़ कि हम डोनर को सामने लाते थे। यहाँ क्यों ये इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स कॉन्फ्रेंस नहीं होती? क्योंकि मैं भी जानी इस दुनिया से मैं भी जाऊँगा, लेकिन अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो वो कल को उनको ज़रूरत है। मेरा जो हुआ वो हुआ, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़े। ये ब्लड डोनरों को भी एक स्कीम लाना चाहिए इनके लिए भी, जो 50 साल जिसने ब्लड दिया या 40 साल, तो उनके लिए एक स्कीम होना चाहिए। यूथ के लिए मैसेज है वो आगे आए, और खाली ब्लड डोनेशन नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो ज़रूरत है। कैंसर पेशेंट्स है, अफाज है, यहाँ विडोज है, उनके लिए काम करें। सर आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।